इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूडाइस बुकलेट को कैसे फिल करते हैं या यूडाइस के डीसीएफ को कैसे फिल करते हैं। इसको फिल करना उतना ही आसान है जैसे हमें ऑफलाइन बुकलेट मिला करती थी। इसके लिए जो साइट दिख रही है upudaisplus.gov.in पर जाते हैं, और जैसे ही हम इस वेबसाइट पर जाते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। ये इसकी ऑफिशियल साइट है यूडाइस की। यहाँ जो कोने में हम देख रहे हैं, यहाँ लॉगिन की, जैसे लॉगिन को टच करते हैं तो ये ऑप्शन खुल के हमारे पास आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और कर्नाटका को छोड़कर अन्य सभी राज्य और संघ शासित राज्यों के लिए, और ये दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटका के लिए, तो हम इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो फिर कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है, लॉगिन पेज आ जाता है। इसमें हम अपनी लॉगिन यानी हमारे जो यूडाइस है स्कूल का, वो लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है, ये जो ऑपरेटर होते हैं ब्लॉक पे आईएमएस वो हमें प्रोवाइड करते हैं पासवर्ड, उसको हम यहाँ डालते हैं ऊपर यूडाइस कोड आईडी की तरह, और पासवर्ड जो हमें ब्लॉक से मिलता है और ये कैप्चा डाल के फिर हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ फिर इस तरह से खुल के हमारे सामने आ जाता है। तो यहाँ ये चार तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, कहीं कहीं चार भी दिखते हैं। तो तीन ऑप्शनों में इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग डीसीएफ और यूज़र मैनुअल फॉर यूडाइस प्लस सॉफ्टवेयर के संबंध में, और नीचे है डीसीएफ टू फिल द डेटा, यानी कि डेटा को फिल करने के लिए डीसीएफ, इसको हमें ऑनलाइन फिल करना है। तो यहाँ से आप दिख ही रहे हैं, ये हमें इंस्ट्रक्शन वाला जो है ये ज़रूर पढ़ना चाहिए, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द डीसीएफ, मगर जैसे ही हम ये डीसीएफ फिल करने वाले लिंक पर जाते हैं, क्लिक करते हैं नीचे तीसरे ऑप्शन को, तो इस तरह से खुल के आता है, ये इंपॉर्टेंट नोटिस खुल के आता है। जितनी बार भी आप लॉगिन करोगे, स्कूल नेम, स्कूल कैटेगरी, लोअर और हाईएस्ट क्लास, जैसे को फिफ्थ प्राइमरी है तो उसमें फिफ्थ लोअर, फर्स्ट लोअर है, फिफ्थ हायर है, या फिर इसको हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद कुछ इस तरह से फिर हमारे पास ये इंटरफेस खुल के आता है। ये ऊपर जो टैब खुले हुए हमें दिख रहे हैं, यहाँ से ये डीसीएफ नंबर है, और इन डीसीएफ नंबर्स या तो हम ऊपर से चूज़ कर सकते हैं या फिर ये नीचे जो हमें दिख रहा है यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप एक चीज़ और देखोगे कि यहाँ से हम फिल कर सकते हैं। इसके बाद दो जगह से इसमें मैं आगे समझाऊंगा कितने कॉलम, पांच कॉलम हैं, कौन सा कॉलम क्या दर्शाता है, ये भी मैं आगे दिखाऊंगा। इसमें आप एक चीज़ और देखोगे कि ऊपर स्टेटस दिख रहा है, यहाँ आप देखोगे कि स्टेटस नॉट सर्टिफाइड और ओवरऑल स्टेटस दिख रहा है नेक्स्ट नॉट स्टार्टेड, यानी कि अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया गया है। तो जब तक आप इसमें वर्क नहीं करना शुरू करोगे या फिलिंग करनी शुरू नहीं करोगे तो तब तक ये नॉट स्टार्टेड और नॉट सर्टिफाइड ही दिखाएगा। इसके बाद आप देखोगे कि ऊपर से जो ये मैंने रेक्टेंगल में किया है, ये जो टैब हैं यहाँ से आप जाके किसी को भी एट रैंडम खोल के फिल कर सकते हो, ऐसा नहीं कि वन बाय वन ही करना है, जिस किसी को भी कर सकते हो। और यहाँ नीचे जो ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ से भी आप फिल कर सकते हो। इनमें पहला जो कॉलम होता है ये सीरियल सेक्शन नंबर का होता है, दूसरा डीसीएफ सीरियल नंबर होता है, तीसरा उसका नाम होता है, चौथा स्टेटस को दिखाता है, और पाँचवा कब मॉडिफाई किया गया है, कब उसमें चेंज किए गए हैं उसको दिखाता है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ कंप्लीट आ रहा है, तो ये मैंने दूसरा जो है यानी कि डीसीएफ सीरियल नंबर 2 मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो यहाँ इसलिए कंप्लीट दिखा रहा है। जिसको आप कंप्लीट करते रहोगे इसमें कंप्लीट दिखाता रहेगा, और ऊपर जहाँ नॉट स्टार्टेड था वहाँ वर्क इन प्रोसेस भी आ रहा है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये यहाँ से जो है, जो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ इस पर हम टिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर टिक करते हैं, मैंने लैंग्वेज वाले को टिक किया है, और जैसे ही हम लैंग्वेज वाले को टिक करते हैं तो फिर लैंग्वेज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो हैं वो खुल के हमारे सामने आ जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें भरे हुए होते हैं, बहुत ही हमें कम क्वेश्चन उसमें भरने होते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मीडियम में सारा कुछ बढ़ा हुआ है, और इधर की साइड आप देखोगे दूसरी साइड जो क्वेश्चन है उसमें आंगनबाड़ी का जो कोड है, अभी तो यहाँ लैंग्वेज ये फिल है जितनी लैंग्वेज टॉट एज ए सब्जेक्ट, मगर आप इधर दूसरी साइड देखते हैं डिस्टेंस भी है इसमें कि स्कूल से कितनी डिस्टेंस है वो है। यहाँ आंगनबाड़ी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आंगनबाड़ी केंद्र है, तो उसका एक कोड यहाँ गलत है, जैसे हमारे यहाँ गलत है। यहाँ लास्ट में 614 होना चाहिए, तो हमने 614 करेक्ट किया है। कितने बॉयज़ गर्ल्स हैं वो हमने फिल किए हैं। उसके बाद इसको
कि प्राइमरी स्कूल कितने दिन खुला है, लास्ट COVID-19 के कारण वहाँ 20 डेज ही खुला है प्राइमरी, तो उसको हमने फिल किया है। फिर सेवन नेक्स्ट पे जाते हैं, सेवन नेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ से आप सिक्स भी कर सकते हैं, नेक्स्ट आप उधर से भी ऊपर से चुन सकते हैं, जहाँ से मैंने आपको बताया था, यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से भी नेक्स्ट एंड सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी हम देखेंगे कि हमारा जो लैंग्वेज वाला जो पोर्शन था वो कम्प्लीट हो गया है। अब इसके बाद है कि यहाँ से बहुत सारी नेक्स्ट में इंफॉर्मेशन आई है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग, यानी कि कोई स्पेशल ट्रेनिंग हो रही है क्या, अकेडमिक सेशन कब स्टार्ट हुआ है, आपको बुक कब अवेलेबल हुई हैं, ये सारे ऑप्शन बुक जौन से भी मंथ में मिली हैं, यहाँ से हम यस करके उसको चूज़ कर लेते हैं कि जिस मंथ में हमें बुक मिलती हैं हम चूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाता है। और सप्लीमेंट्री मटेरियल इन प्रीवियस ईयर जो 1.47 वाला क्वेश्चन है उसको फिल करने की कब आपको मिली है, अभी आप यहाँ से देखोगे कि मैंने दो फॉर्म हैं वो पूरे कर दिए हैं, तो उनके दो वो कंप्लीट आ रहा है आप देखोगे। अब इसमें से इसी तरह से और नेक्स्ट जितने भी टैब हैं, यहाँ वर्क इन प्रोसेस आ रहा है, सर्टिफाइड तब होगा जब आप यहाँ सारे कंप्लीट कर लोगे, और यहाँ जाके नीचे वैलिडेशन एंड कंपैरिजन में जाके इनको कंप्लीट कर दोगे तब यह कंप्लीट आ जाएगा, यहाँ से ओवरऑल स्टेटस कंप्लीट आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसे फिल कर